हाँ चलो फर्स्ट पॉइंट बताओ। जंक्शन वाई। हाँ राधिका बताओ। नहीं देख के थोड़ी बताना है। ओहो करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नो करंट फ्लोज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। पहले पहले ये वाले पॉइंट क्लियर करें। अ लिटिल करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स चार्ज कैरियर्स, नो करंट फ्लोज एट ऑल ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। अब बताओ डिप्लीशन लेयर का। डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिक और इट वाइडन्स। हाँ बैरियर की हाइट और इंक्रीज हो गई और हाई रेजिस्टेंस पार। हाँ फिफ्थ पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा। व्हाट इज एवलांच ब्रेकडाउन, व्हाट डू यू मीन बाय एवलांच ब्रेकडाउन। यस व्हाट डू यू मीन बाय एवलांच ब्रेकडाउन। कैसे रप्चर हो जाते, पड़े पड़े अपने आप थोड़ी हो जाते हैं। अब हमने क्या किया, हम रिवर्स पोटेंशियल वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, उससे चार्ज कैरियर इतने एनर्जेटिक हो गए कि दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद एटम्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। सो बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स दे गेट रप्चर्ड। अब एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर निकलता है, तो बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो सो मेनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी रिलीज। अब जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर घूमने शुरू हो गए इधर उधर तो कंडक्शन स्टार्ट होगी, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, तो बहुत सारा करंट प्रोड्यूस होगा, करंट विल शूट अप बट इट विल ऑल्सो डैमेज द डायोड, इट विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ डायोड। सो दिस ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एवलांच ब्रेक डाउन। उसको क्या करना है आपने, इधर देखो आप बोर्ड को। चलो अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज द ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट, ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट, बट इस क्वाड्रेंट में बनेगा ग्राफ। इन दिस केस द ग्राफ विल बी फॉर्म्ड इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, बट वी विल ऑलवेज टेक वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो कैसे मार्क करेंगे, वेरी स्मॉल करंट, नेग्लिजिबल करंट फ्लोज, इतना सा ही करंट आ रहा है वो भी माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए, फिर एकदम शूट अप हो जाएगा और ये वोल्टेज जिस पे ये होगा दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, वीबी। वीबी इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। So the voltage at which breakdown occurs, that is called breakdown voltage. Voltage at, where is your copy, Gursimar? Voltage at which this happens, that is called breakdown voltage. अब इसका भी सर्किट बना लो। Very small. माइक्रोमीटर जो है माइक्रोज में, जो माइक्रोन्स में करंट है 10^-6 एम्पीयर के ऑर्डर का करंट मेजर कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे करंट इतना कम होगा कि वो माइक्रोमीटर इसको डिटेक्ट कर सकता है। उसमें बेसिकली हम लगाते हैं मिलीएमीटर, तो उसमें आगे एम डाल लो, जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने सर्किट बनाया ना उसमें मिलीएमीटर कर लो, अकेला एमीटर नहीं मिलीएमीटर। और यहाँ पे पी टाइप किससे कनेक्ट होगी, नेगेटिव से, बस ये चीज चेंज कर रहे हैं हम, सिर्फ इसको चेंज किया हमने नेगेटिव पी टाइप के साथ और एन टाइप पॉजिटिव के। रिवर्स बायस करना जरूरी है ना यहाँ पे, दैट्स व्हाई। और माइक्रो कर दिया, मिली एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम टू स्टडी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट and these are reverse characteristics of that. Is that clear? ठीक है।
Now, what is the main use of a diode? PN junction diode is used as a rectifier. This is the main use. Very important article. This is very important article from board point of view. How can we use a diode as a rectifier? Rectifier is a device that converts AC into DC. ये जो battery eliminator हम आपको देते हैं ना, it is having a rectifier inside it. So when we plug in 220 volt AC, we are getting up to 12 volt DC we are getting. ठीक है? तो चलिए next है diode as a rectifier. ट्रांसफॉर्मर कहां से आ गया? वो तो उसमें था, EMIN AC में. ट्रांजिस्टर है आपका मतलब, ट्रांजिस्टर. डीसी एसी में, उसके लिए तो ऑसिलेटर चाहिए ना. इफ यू वांट टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इट्स रेक्टिफायर. बट इफ यू वांट टू डू द रिवर्स थिंग, डीसी इनटू एसी, ये वाइवा क्वेश्चंस हैं, तो फिर आपको ऑसिलेटर यूज करना पड़ेगा. ट्रांजिस्टर is a semiconductor device that is used as a common oscillator. या फिर LCR oscillator भी होते हैं. ठीक है, चलो लिखे पहले rectifier क्या होता है. A device that converts AC into pulsating DC. मतलब पूरा DC में नहीं, थोड़ी pulsations होती हैं उसमें, बिल्कुल smooth DC नहीं होता वो. So a device that converts AC into pulsating DC. तो वो pulsations afterwards remove की जाती है using a filter circuit. So it needs to be filtered out afterwards. चलो अभी हम करेंगे convert होता कैसे. There are two types of, or rather three types of rectifiers. Half wave rectifier, full wave rectifier and bridge rectifier. Half wave, full wave and bridge wave and bridge rectifier. ये theory है, अब theory based practical होगा. ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट रह गया हमारे सिलेबस में इसमें से, पीएन जंक्शन डायोड का. अदरवाइज ट्रांजिस्टर का भी हम करवाते थे, जीनर डायोड का भी करवाते थे, बट अभी सिलेबस में उन्होंने सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड ही रहने दिया इस टाइम, तो वही करना है. यू आर टू डू 4 एक्सपेरिमेंट्स एंड 3 एक्टिविटीज फॉर टर्म 2. 4 एक्सपेरिमेंट्स एंड 3 एक्टिविटीज फाइल में लिखनी है. पहले बन गई आपकी फाइल, पिछली नहीं, टर्म 2 की फाइल आपने बना ली? मैं वही तो पूछ रही हूँ, बना ली आपने? वो तो हो ही जाएगी जैसे ही आपके प्रैक्टिकल साथ साथ लिखते जाओ. 4 एक्सपेरिमेंट 3 एक्टिविटी. 4 पहले टर्म के नहीं, लिख लिया आपने? चलो बताओ कौन कौन से बताओ. 4 तो अभी हुए भी नहीं है कोई एक्टिविटी है, मतलब 4 चीजें हैं आपके, मतलब चीजें नहीं ना, चीजें साथ चाहिए, 7. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर. सर्किट बनाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड हियर. दिस इज आवर इनपुट एसी सिग्नल. इनपुट हमारा एसी है एंड वी विल बी यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी में टर्न ज्यादा दिखाना. सो दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. हियर वी कनेक्ट वन पीएन जंक्शन डायोड दैट विल डू द रेक्टिफिकेशन एंड अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस आउटपुट इज टेकन. अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस, आरएल क्या है? लोड रेजिस्टेंस. डीसी आउटपुट इज टेकन. हमारी एसी इनपुट है बट आउटपुट इज डीसी. सो सिंपली इनपुट एसी सिग्नल इज सप्लाइड टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, जो उसको पहले वोल्ट को कम करता है, एसी एसी रहती है. ठीक है, आफ्टर दैट दैट एसी वोल्ट वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय द रेक्टिफायर, बाय द डायोड. आफ्टर दैट वी गेट द आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस. यहाँ बल्ब लगाया, जो भी लगाया वो चल पड़ेगा.
हाँ पर है वो डीसी है, उसकी डायरेक्शन एक ही होगी, पोलैरिटी एक होगी। ये जो आपकी इनपुट थी ये दोनों डायरेक्शन में होगी, वो भी एक ही डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो इसमें इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी है आपने। सो दिस इज योर इनपुट एसी। ठीक है, ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म है। स्पेशली वो कहते हैं कि ड्रॉ करो, ड्रॉ इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स। तो हम एक साइड पे पहले इनपुट ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज इनपुट। इस साइड पे हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे। तो सी द वर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग सुनिए। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, सर्किट डायग्राम। हो गया। सो सपोज टू स्टार्ट विद, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, पहले एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। लेट द पोलैरिटी एट द प्राइमरी कॉइल बी पॉजिटिव, बाय इंडक्शन नेगेटिव विल बी इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी कॉइल। बाय इंडक्शन यहां पे पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव होगा बाय इंडक्शन। नाउ दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप नाउ, सो इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। It has become reverse bias, so no output will be obtained for first cycle of input. यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ये output draw कर रहे हैं। ये देखो ना, to start with during the first positive half cycle, suppose the primary coil is positive, so by induction negative polarity will be appearing on the secondary coil. अब ये negative terminal जब P type से connected होता है, diode is reverse bias. और रेक्टिफायर का प्रिंसिपल है, वी आर टेकिंग आइडियल डायोड। लिख लो प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइडियल डायोड दैट वर्क्स ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस। इस प्रिंसिपल पे चल रहा है दैट डायोड कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस। ये इस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि रिवर्स बायसिंग में थोड़ा सा चल रहा है, ऐसे नहीं हम मानते। यहाँ पे सीधा आइडियल डायोड अज्यूम कर रहे हैं, रिवर्स बायस में चलेगा ही नहीं और फॉरवर्ड बायस में ही चलेगा। हम इस बेस पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल कोई आउटपुट नहीं आई, इसको खाली छोड़ दिया हम। अब नेगेटिव हाफ साइकिल, एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल आया। ये हेयर पोलैरिटी इज नेगेटिव, हेयर पॉजिटिव, बाय इंडक्शन यहां नेगेटिव, हेयर पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव विल फॉरवर्ड बायस द डायोड। नाउ पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप, नाउ इट विल फॉरवर्ड बायस द डायोड एंड देयर विल बी सम आउटपुट। नाउ देयर विल बी आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस हाफ साइकिल। राइट, अब ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल द प्रोसेस रिपीट्स, फिर से नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस हो जाएगा, फिर कुछ नहीं आएगा, उससे नेक्स्ट में आएगा लाइक दिस। सो दिस वे वी विल गेट पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। सो दिस इज पल्सेटिंग डीसी, दिस इज आउटपुट वेवफॉर्म। इसमें डायरेक्शन वही रहेगी, पोलैरिटी वही रहेगी, नेगेटिव पोलैरिटी नहीं आएगी, मतलब एक ही डायरेक्शन रहेगी, पर ये जो पल्सेशंस है बाद में फिल्टर आउट कर ली जाएंगे। वो देखो आपके सामने एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बस उसी डायरेक्शन। वो एक नॉर्मल डायड की बात कर रहे हैं, यहां हम रेक्टिफायर की वर्किंग आइडियल डायड की बेसिस पे ले रहे हैं। हाँ प्रैक्टिकली 100% नहीं होती, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन टेक ना, मतलब इसकी वर्किंग को हम इस बेसिस पे अज्यूम करते हैं कि रिवर्स बायसिंग में अज्यूम कर रहे हैं कि चलेगा ही नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में चलेगा, तो तभी तो आउटपुट आएगी या नहीं आएगी। अगर थोड़ा थोड़ा हर टाइम में चलेगा फिर तो उसका मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। सो बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग 100% आउटपुट corresponding to each half cycle of AC, this is not much preferred. ठीक है, तो इसकी efficiency कितनी है,
एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज क्वाइट स्मॉल, 40.6%, ओनली 40.6%, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और इसमें रिपल फैक्टर एक टर्म होती है रेक्टिफायर में, रिपल फैक्टर कम से कम होना चाहिए। दिस इज बेसिकली गामा से डिनोट करते हैं, वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ओवर द डीसी कंपोनेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर गामा ज्यादा है तो उतना ही एसी कंपोनेंट ज्यादा है हमारी आउटपुट में, इसका मतलब तो ये कम से कम होना चाहिए। और गामा हाई है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21, सो दैट्स व्हाई हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट सो मच प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ लो एफिशिएंसी एंड हाई रिपल फैक्टर। जो ज्यादा होना चाहिए वो कम है, जो कम होना चाहिए वो ज्यादा। सो दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। देन वी कम टू फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। So to improve the working of rectifier, two diodes are connected. Gursimar, इधर फोन है आपके पास? फोन है? तो एक मिनट, होने वाली छुट्टी, घर जाके खाना। So there are two diodes now, D1, D2. अब दोनों साइड पे एक एक डायड लगेंगे और सेंटर टैपिंग अरेंजमेंट है, ये रेजिस्टेंस कॉमन लगाएंगे हम लोग। सेंटर टैपिंग सेकेंडरी कॉइल and load resistance is made common to both, ठीक है, ताकि इसमें से भी करंट फ्लो करे, इसमें से भी करंट फ्लो करे, दोनों में से, दोनों केसेस में करंट फ्लो करे। ये एक एरो ही है ना, इसी डायरेक्शन में करंट ले दो, ये भी एरो है उसी डायरेक्शन, तो लोड रेजिस्टेंस में करंट आप देखोगे सेम ही डायरेक्शन में। ठीक है, सो वी हैव टू डायोड्स, वन फॉर ईच साइकिल, सो दैट प्रॉब्लम विल बी ओवरकम, यू विल सी दैट प्रॉब्लम विल बी ओवरकम नाउ। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस विल बी प्राइमरी कॉइल का अपर एंड विल बी पॉजिटिव हैविंग पॉजिटिव पोलैरिटी एंड लोअर एंड विल बी हैविंग नेगेटिव पोलैरिटी। And by induction, here negative, here positive will be induced. Now this negative will make the diode D1 reverse biased, but this positive polarity will make diode D2 forward biased. एक diode नहीं चल रहा पर दूसरा तो चल रहा है ना, और क्योंकि parallel में है तो output तो same आने वाली है। ठीक है, तो इस case में output आ जाएगी, D2 के work करने से output आ जाएगी। आनी तो पल्सेटिंग ही है कोई भी रेक्टिफायर हो, वो देखो आपके सामने ही, इसकी आउटपुट का नेचर ही है। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी एसी थी ना ये वाली, ठीक है, इस डायोड ने क्या किया, वो नीचे वाला पार्ट उड़ा दिया, ये वाला पार्ट उड़ा दिया, पर रहेगा तो एसी ही, वो रहेगा पल्स की फॉर्म में। आगे फिल्टर उसको स्मूथ करो, फिल्टर एक कैपेसिटर या इंडक्टर लगाएंगे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इनपुट यही है, इनपुट वेवफॉर्म, हाँ इनपुट तो एसी है, आउटपुट डीसी है, वो वही है, बस ये है कि यहाँ पे हर हाफ साइकिल में आप देख रहे हो। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हेयर नेगेटिव, इट विल बी दिस पॉजिटिव विल नाउ फॉरवर्ड बायस डायोड D1, दिस नेगेटिव विल रिवर्स बायस डायोड D2। अब D2 रिवर्स बायस जब वर्क नहीं करेगा, D1 वर्क करेगा, फिर से आउटपुट आएगी ड्यू टू वन ऑफ द डायोड, तो हर बार हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने, अरे फिर वही बात, ये तुम्हें बताया तो है मैंने, ये देखो ये एसी थी, सिर्फ ये वाला पार्ट उड़ा देगा, बस रहेगा तो पल्स की फॉर्म में। वही क्वेश्चन दोबारा, स्ट्रेट लाइन जो आगे फिल्टर करेगा, कह तो रही हूँ फिल्टर एसी पल्सेशंस को रिमूव कर देगा। इसने क्या किया, इसने डायरेक्शन, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, पहले वो दोनों डायरेक्शन में था पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये एक में ही रहा तो पॉजिटिव में ना, है तो डीसी, ये एसी था जो दोनों डायरेक्शन में पोलैरिटी होती पॉजिटिव नेगेटिव,
अब ये है तो एसी ही है, डीसी है ना आपका, जो एक ही डायरेक्शन में रह रहा है, इसकी पल्सेशंस कौन रिमूव करेगा? फिल्टर सर्किट। तो ये इसकी इनपुट वेव फॉर्म है या आउटपुट वेव फॉर्म है, नोट करिए। एक मिनट, सो इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव वेव रेक्टिफायर क्लियर? इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल डबल है, इट्स एफिशिएंसी इसका डबल करो कितना हुआ, 81.2%, और रिपल फैक्टर इज क्वाइट स्मॉल 0.48। तो ये पूछा जाता है यूजुअली, व्हाट आर टू एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर? सो यू विल से डबल एफिशिएंसी एंड स्मॉलर रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर वही रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट टू डीसी कंपोनेंट, मतलब कितना एसी कंपोनेंट है हमारी आउटपुट में वो बताता है। तो हम चाहते हैं कि एसी कंपोनेंट कम से कम होना चाहिए, हमारी आउटपुट स्मूथ होनी चाहिए, डीसी आउटपुट हम चाह रहे हैं। तो जितना एसी कंपोनेंट ज्यादा है इसका मतलब पल्सेशन उतनी ज्यादा है, सो वी हैव टू रिड्यूस द पल्सेशन। ओके फाइन, अब इनकी आउटपुट भी लिख लेते हैं, वोल्टेज आउटपुट। मीन करंट का फॉर्मूला याद है आपको, 2I0 / π था। EMI एंड AC में दो करंट आपने शुरू में डिफाइन किए थे, RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट है 2I0/πRL, और हाफ वेव में ये 2 नहीं आएगा, हाफ आउटपुट है। हाफ वेव में आप लिख लो I0 RL / π, मतलब इसमें आउटपुट डबल आ रही, ठीक है। सपोज कर लो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इज 50 Hz, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल? सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इज 50 Hz इन फुल वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेव? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है इसमें? इसमें 50 है, इसमें कितनी है? 100 होंगी, डबल, क्योंकि इसके नेगेटिव हाफ्स मिसिंग है, पर वेव्स जो है अगर हम काउंट करें वो तो कितनी है, जितने पॉजिटिव आ रहे हैं उतनी वेव्स का नंबर तो उतना ही है ना। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 Hz है तो उसकी 100 Hz होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम होगी। If the frequency of input signal is 50 Hz, then frequency of output signal will also be 50 Hz in half wave rectifier. But in full wave rectifier, it will be doubled. Number of waves double only. Third rectifier होता है, वैसे तो यही है syllabus में main, bridge rectifier. थोड़ी सी structure आपको बना के बता देती हूँ, otherwise उसका detail आपको इतना नहीं आएगा. Just we will draw the circuit diagram and I'll just explain the working. Bridge rectifier. वही इनपुट एसी है, अब इसमें देखो इसमें 4 diodes लगे हुए, देर आर 4 diodes कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। ठीक है, 4 diodes आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। एक टाइम पे 2 diodes वर्क करेंगे, एक टाइम पे 2 diodes विल वर्क। हाँ जी, नहीं नहीं मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे ही रैंडमली थोड़ी होगा, हर चीज के पीछे रीजन होगा। चलिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, सपोज हेयर द पोलैरिटी इज पॉजिटिव, हेयर इट इज नेगेटिव, बाय इंडक्शन सेकेंडरी पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। अब ये नेगेटिव देखो, ये इन दोनों डायोड्स को रिवर्स बायस कर देंगे, बट दिस पॉजिटिव विल मेक बोथ द डायोड्स फॉरवर्ड बायस,
ये इनको फॉरवर्ड बायस कर देगा। हाँ तो इस टाइम पे वो एक टाइम पे ये वाले चलेंगे, कोई दो एक टाइम पे वो वाले चलेंगे, फिर आउटपुट वैसे ही आने वाली है, आउटपुट फिर से उतने ही आने वाली है हाफ फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, हर केस में आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, बस स्ट्रक्चर देख लो कि इस तरह से थोड़ी सी अरेंजमेंट होती है। क्लियर? सो डायड एज अ रेक्टिफायर इज क्लियर। बस आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक ये रहता है टाइप्स ऑफ डायड्स। तीन टाइप्स ऑफ डायड्स आपने थोड़ी सी डिस्कस करनी है, एलईडी क्या होता है, ठीक है, और सोलर सेल क्या होता है, सोलर डायड क्या होता है, और फोटो डायड क्या होता है। बस तीन टाइप्स जो है उसका डिटेल करना है, देन योर यूनिट इज ओवर। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कल ओवर हो जाएगा, एक लेक्चर आ गया बस। ठीक है, पहले यहां तक देखो, रेक्टिफायर की वर्किंग में कोई डाउट है तो यू कैन पूछो। पहले देखो, पहले एक बार रीडिंग, आपने सर्किट बनाया हुआ है, अपने आप उसकी वर्किंग एक बार ऑपरेट करके देखिए कि आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो पूछो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है डायड। देखो गौरव है, मैं दिखा देती हूँ, तो फिर क्या देखने जा रहे हो?